और माननीय, मैं अंत में यही अनुरोध आपसे करना, आपके माध्यम से इस सरकार से करना चाहता हूं कि 12 सांसदों को आपने निलंबित किया है, आज इस बिल की चर्चा में वो नहीं है। आज इस बिल की चर्चा में हम लोग शामिल नहीं होते, लेकिन क्योंकि ये जनहित का एक बड़ा मुद्दा था, ये विषय नहीं, राज्यों के हित का एक बड़ा मुद्दा था, इसलिए हम लोग चर्चा में शामिल हुए हैं। स्पीकर बोल रहा हूं, इस भावना का सम्मान करते हुए उन हमारे साथी सांसदों को आप सदन में लाइए और उनके निलंबन को वापस कीजिए। धन्यवाद। ये सरासर उनके साथ आपने उनके अधिकारों को छीनने का काम किया, उनके अधिकारों को छीनने का काम आपने किया। 12 सांसदों को आपने निलंबित करके बाहर कर दिया। आप तानाशाही की सरकार चला रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। तानाशाही से लोकतंत्र नहीं चलता, तानाशाही से संसदीय परंपरा नहीं चलती साहब। और अरुण जेटली साहब, अरुण जेटली साहब को पढ़ लीजिए, वो सदन की बाधा को लोकतंत्र की मजबूती के लिए अच्छा बताते रहे हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी पढ़ लीजिए, 2001 में अंत में कहकर खत्म कर रहा हूँ, बिल्कुल खत्म कर रहा हूँ। 2001 में सर अटल बिहारी वाजपेयी जी का वक्तव्य तो याद करा लेने दीजिए इनको। स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, बहुमत के रूल को सदन चलाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आप सदन को चलाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप विपक्ष के सांसदों का इस तरीके से उनके अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। इस तरीके से